Hello everybody, my name is Praveen hai, and I welcome you at Verma Study Center and free online coaching. Guys, in this video lecture, I will sound wave ka jo aapko exercise ka problem number 5th hai, from SC Verma. Usko discuss karenge guys, aur maine abhi tak 1 se lekar ke 4 tak ke jitne bhi questions hai, unke jo videos hai, solution ke videos main upload kar chuka hu, aur mera jo ye video hai, uska maksad hai, aapko फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन करना साउंड वेव्स के, नॉट की कोई ट्रिक बताऊं मैं. ओके चलिए गाइस, मैं आपको न्यूटन्स लॉ के, आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स के एंड जो स्ट्रिंग वेव है और जो साउंड वेव है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस जो है आईटीजे में आए हुए, जो मतलब स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव से जो वीडियोज आए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आईटीजे में, उसको मैं सॉल्व करने का वीडियो अपलोड करूंगा. गाइस आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो के बारे में आपको पता चले तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है भवुआ स्टडी सेंटर या फिर फ्री ऑनलाइन कोचिंग, इनको सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट के लिए जो मेरा फेसबुक पेज है भवुआ स्टडी सेंटर, इसको लाइक कीजिए. ओके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वॉटर दैट इज इन द ऑडिएबल रेंज. ओके इतना फॉर an average human ear, sound of the speed of sound in the water is itna. देखो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का थोड़ा सा मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है ये. ये क्या कह रहा है कि मतलब फ्रीक्वेंसी बताइए मैक्सिमम, और सॉरी वेवलेंथ बताइए मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ बताइए आपको, और फ्रीक्वेंसी का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन ईयर के लिए वो दिया हुआ है कि 20 से 20,000 हर्ज तक के जो फ्रीक्वेंसीज है इन एवरेज ह्यूमन हियर ईयर कैन हियर. ओके और स्पीड ऑफ साउंड जो दिया हुआ है वाटर में वो है 40 150 सेंटीमीटर. ओके 1450 सेंटीमीटर. तो गाइस जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है वो क्या बोलता है कि जो वेवलेंथ होता है वो होता है स्पीड मतलब भी इनटू टाइम पीरियड मतलब 1/फ्रीक्वेंसी. ओके सो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई फ्रीक्वेंसी. ये क्या होगा, ये मिनिमम हुआ व्हेन एफ इज मैक्सिमम. ओके क्योंकि वी तो फिक्स है, वी एच मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है जो 1450. तो आई कैन राइट 1450 डिवाइडेड बाई 20,000. ओके एंड गाइज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन व्हाट we get 0.0725 meter. okay jisko aap solve karenge then I can write 7.25 centimeter. okay guys and now jo second part hai question ka, second part kya bolta hai ki ye humne find kar liya minimum, maximum kab hoga when 1450 divided by 20 hoga ye tak. इसको सॉल्व करोगे देन व्हाट यू गेट, यू विल गेट 72.5 और ये किस में आएगा मीटर में. ओके 72.5 मीटर तो ये वेवलेंथ होगा. सो गाइस आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में यूजफुल होगा. एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भवुआ स्टडी सेंटर एंड फ्री ऑनलाइन कोचिंग and hit the like button of my Facebook page Bahuma Study Center. Thank you for watching.